सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। खरखोदा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। खरखोदा में सुबह अंकित नाम के लड़के को घर से नकली देसी शराब बनाने का काम करते हुए पकड़ा है। नकली शराब की सूचना पाकर डीएसपी अजीत और एक्साइज विभाग के इंस्पेक्टर अशोक कुमार भी मौके पर पहुंचे। खरखोदा थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि सूचना मिली थी कि खरखोदा के वार्ड नंबर 1 में अंकित नाम का शख्स नकली शराब बना रहा है। मौके पर हमने रेड की तो वहां से 395 पौवे नकली शराब के बरामद हुए हैं और लगभग 8,500 खाली पौवे, सील लगाने की मशीन, होलोग्राम, खाली ढक्कन लेबल, जो कि भारी मात्रा में पुलिस ने बरामद की है। फिलहाल खरखोदा पुलिस ने नकली शराब के मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सोनीपत 24 के लिए सोमपाल सैनी की रिपोर्ट। सर, खरखोदा में कुछ सुबह शराब पकड़ी गई है, क्या कुछ मामला है? हाँ, सूचना मिली थी कि वार्ड नंबर 1 खरखोदा में कोई अंकित नाम का व्यक्ति है, वो नकली शराब बना रहा है। इस सूचना पर रेड की गई तो उसके घर से करीब 395 पौवे नकली शराब के बने हुए मिले हैं और करीब 8,500 खाली पौवे और सील लगाने की मशीन और काफी सामान शराब बनाने का मिला है। सर, कुछ लेबल वगैरह भी मिले हैं इसमें? हाँ, लेबल भी मिले हैं और होलोग्राम भी मिले हैं, ढक्कन भी मिले हैं, वो शराब बनाने के लिए सारा ही सामान बरामद हुआ है। सर, अब तक जो कार्रवाई आपके द्वारा की गई है उसमें क्या कुछ सामने आया है कि कब से फैक्ट्री चल रही थी और कहाँ सप्लाई किया जाता है? अभी मुलजिम को अरेस्ट किया है और अभी पूछताछ कर रहे हैं, अभी बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता।